हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पहले तो मैं आपको सॉरी बोल देता हूं क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आई एश्योर दैट कि अब आपको वीक में 3 वीडियो कम्प्लीटली ही टाइम टू टाइम रेगुलर मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो बेसिकली जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम आए हैं अभी जीरा गोटो पे, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो बाय द वे आज हमारे पास कौन सी बाइक खड़ी है वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब बजाज में प्लेटिना जो कि एक टॉप सेलिंग बाइक मानी जाती है, उसका आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके बाद थोड़ी दिनों बाद इसका राइड रिव्यू भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से प्लेटिना अपने सेगमेंट वाइज टॉप पे आती है, और हाँ जैसे कि हमारी हीरो की स्प्लेंडर है उससे ये कितनी बेहतर हो जाती है, ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके ठीक बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर से आने वाला है, क्योंकि इस प्लेटिना के अलावा इस कंपनी की एक और बाइक है जो कि बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च है और वो मेरी पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट बाइक है। तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे सामने यहाँ पे खड़ी हुई है प्लेटिना। आप एक बार इसका ओवरऑल लुक देख लो, क्योंकि अब इसके लुक में ना पहले से बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। हालांकि ये 110 सीसी वाला वेरिएंट है, यानी कि जो स्पोर्ट्स वेरिएंट प्लेटिना में बनाया गया था, ये मॉडल का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ। कई सारे चैनल्स पे वीडियो पहले ही आ चुका है, हमारा वीडियो थोड़ा लेट चल रहा है उसके लिए सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको 110 कम्फर्ट टेक की जो बेजिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। एक बार आप इसका ओवरऑल लुक देख लीजिए, बाद में मैं आपको इस बाइक की कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और साथ ही साथ किस तरीके से अदर 110 सीसी या तो फिर जो 100 सीसी बाइक आते हैं उनसे बेटर है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें इस बाइक के फ्रंट एंड से, तो सबसे स्पेशल बात जो कि इस बाइक को थोड़ा सा अलग बनाती है वो है इसकी ये LED लाइट। ये लाइट इस बाइक को थोड़ा सा अलग लुक देती है, यानी कि थोड़ी सी आपको एक एग्रेसिव वाली लुक दिखेगी और एक न्यूली टेक्नोलॉजी वाली बाइक भी आपको देखने में दूर से लगने वाली है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका वाइबर है, जो इसका वाइसर है, वो आपको स्टील फाइबर में ही देखने को मिलता है, वहां पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुके है। बजाज के बारे में पहले से ही एक हम लोगों के बीच ना एक चर्चा चलती रहती है कि बजाज की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं आती, ये वो वगैरह, लेकिन इस बाइक में अगर मैं फिट फिनिशिंग से लेके बात करूं यहां तक कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो सब काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। तो यहाँ पे आप अगर इसके इंडिकेटर देखोगे तो उसका भी कुछ आपको नया डिजाइन देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको एक एंगल पे थोड़ी सी स्पोर्टीनेस भी देखने को मिलने वाली है एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप की, तो भाई साहब इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेगमेंट वाइज सबसे ज्यादा बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप आपको यहाँ पे प्लेटिना ही ऑफर करने वाले। यहाँ पे आपको कंफर्ट टेक का सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप एंटी स्किड ब्रेकिंग, यानी कि जो बाकी सभी कंपनियों की जो डबल ब्रेकिंग सिस्टम आती है उसका लोगो यहाँ पे बजाज उसे ASB ब्रेकिंग बोलता है, ASB ब्रेकिंग बोलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके फ्रंट एंड सेटअप की, तो आपको एक LED लाइट, उसके ठीक नीचे आपको एक हैलोजन बल्ब भी देखने को मिल जाता है। उसमें क्रोम गार्निशिंग काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल आपको यहाँ पे 110 सीसी बाइक है और इसका बजट भी काफी कम रखना होता है, और कम बजट में अच्छी बाइक प्रोवाइड करवाने की वजह से आपको स्टिल यहाँ पे हैलोजन बल्ब भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट नाइट विजन काफी ज्यादा शानदार है, आपको नाइट ड्राइविंग के वक्त यहाँ पे जो प्लेटिना है 110 सीसी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके फ्रंट वाइजर की बिल्ड क्वालिटी की, तो भी वो काफी ज्यादा शानदार है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ डिजाइनिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि इसके लुक को और ज्यादा अच्छा बना देता है। अब अगर हम बात करें इस बाइक के टायर साइज की, तो फ्रंट में आपको मैं दिखा देता हूँ, C8 का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 18x100 इक्वल टू 17 इंच के एक्विक रेशियो में देखने को मिलता है। और सबसे बेहतरीन बात की, अब ये आपको ट्यूबलेस सिस्टम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और पर्सनली ना इसका जो मैक व्हील है, यानी कि जो टू व्हीलर का व्हील बोला जाता है, उसकी जो इसकी डिजाइन है ना वो काफी ज्यादा शानदार है, और उसको और ज्यादा अच्छी करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लाइनिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी फ्रंट में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि थोड़ी बहुत आपकी जो सेफ्टी है नाइट ड्राइविंग के वक्त उसे जरूर से इम्प्रूव करके देने वाला है।
तो अब अगर हम आगे बात करें तो एज ऑलवेज जैसे कि हर एक बाइक में आपको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा सा कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसका साइज नो डाउट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये काफी ज्यादा शानदार लगता है बिकॉज ऑफ हिस लेग गार्ड, क्योंकि इसका लेग गार्ड का डिजाइन काफी ज्यादा बेहतरीन है। आप एक नजर से देखोगे तो इसमें आपको अच्छी खासी स्पोर्टीनेस वाली फीलिंग आने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी चीज जो कि इस बाइक का जो वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग होता है, उसे कवर करने के लिए यहाँ पे आपको एक गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि स्पेशली छोटा सा अलाइनमेंट है, बट ये इस बाइक के लुक को और जो इसका सेफ्टी रहता है वायरिंग का, उसे काफी ज्यादा हद तक इम्प्रूव कर देता है। और अगर हम साइड पोस्चर की बात करें तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से साइड में आपको देखने को मिलने वाली है। स्पेशली यहाँ पे दो चीज हाईलाइट करती है, एक तो ये गोल्डन कलर में लिखा हुआ प्लेटिना, और सेकेंड वन इसके सस्पेंशन सेटअप का जो रिंग है उसका गोल्डन कलर। ये दो चीज इस बाइक को दूर से ही आपको काफी अच्छा लुक देने वाली है। और अगर हम बात करें इसके इंजन की तो पावर आप देख सकते हो आपको आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बजाज का आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, और स्टिल मोस्ट बोलते हैं ना स्पेशल चीज की, यहाँ पे स्टिल आपको जो चौक है यानी कि जो इंजन चौक है उसे पेट्रोल ऑन और ऑफ करने का स्विच आपको कंटिन्यूअसली अभी BS6 वेरियंट में भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा शानदार चीज है। क्योंकि नई जो बाइक आ रही है हीरो की होंडा की, वहां पे आपको अभी भी ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये चॉक सिस्टम स्टील आपको बजाज की ज्यादातर बाइक में देखने को मिलने वाला है। और बाकी तो आप देख सकते हो यहाँ पे चॉक हो गया, ऑक्सीजन सेंसर है, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे से वायरिंग लगे हुए हैं, जिसके ऊपर अगर हम बात करने जाएंगे तो पूरा वीडियो उसी में ही निकल जाएगा। सो उसके बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इसका जो पूरा पार्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और इसे एकदम शार्पर लुक दे दिया गया है, जिससे कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बात करें अगर साइड से बिल्ड क्वालिटी की तो हर बाइक की तरह इसमें भी आपको फाइबर पार्ट से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका सीधा असर इस बाइक की माइलेज पे पड़ेगा, जिसकी रियल लाइफ माइलेज मैंने कहीं लोगों से जानी हुई है और पर्सनली भी टेस्ट की हो, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे चेन स्पोकर की तो वो भी आपको फाइबर में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये अब हर एक BS6 बाइक में ही आपको फाइबर में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटिना में, आप कोई भी BS6 बाइक उठा लीजिए, अब वहां पे जो पहले का स्टील वाला आता था उसे निकाल के यहाँ पे सिर्फ आपको फाइबर में ही देखने को मिलता है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके गियर सिस्टम की तो यहाँ पे आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। 110 सीसी बाइक और 5-speed गियर बॉक्स जो कि इस बाइक की माइलेज को काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है। और पर्सनली जो इसका गियर पोस्चर है वो मैं आपको बाद में बैठ के दिखाता हूँ, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट वाला है। और इसका गियर चेंजिंग मेथड भी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन सेटअप की तो ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल सस्पेंशन, आप यहाँ पे गैप जो है वो इंक्रीज होता देख पा रहे होगे जैसे जैसे मैं इसे घुमाता हूँ, तो यहाँ पे आपको 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है, जिसे आप अपनी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नाइट्रोक्स का बॉक्स दे दिया जाता है, जो कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है उसे काफी ज्यादा सॉफ्टर बना देता है, किसी भी तरीके के खराब रास्तों पे लेके जाइए, कंपेयर टू अदर बाइक इसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो काफी ज्यादा शानदार रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने सस्पेंशन के बारे में बात कर ली, बिल्ड क्वालिटी वाइज बाइक काफी ज्यादा शानदार है। आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो आपको जो फुटरेस्ट दिया जाता है, स्पेशली जो वो गोल वाला ये वाला फुटरेस्ट होता है ना, इससे इसका साइज काफी बड़ा है। तो कई सारे इंडियन औरतें जो कि हम आपको पता है इंडियन ट्रेडिशन में एक साइड पे बैठते, तो वहां पे ये फुटरेस्ट काफी ज्यादा कन्वीनियंट साबित होने वाला है। और अगर आपको चैन में ऑयलिंग भी करानी है ना, तो उसके लिए भी काफी अच्छी सी डिजाइन वाला एक यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया, आप इसे यहाँ से निकाल के इस बाइक की चैन की ऑयलिंग करा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखो तो बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एयर की और कि फ्रंट टायर में कितने हवा भरवानी चाहिए विथ पिलो राइडर अगर आप चलते हो, फिर अकेले चलते हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर हम बात करें रियर फुटरेस्ट की तो वो भी आप देख सकते हो, काफी बड़ा पोस्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी जो इसका ये है ना ग्रिल से बेहतरीन एक जो रबर है इस पार्ट यहाँ पे आपको दे दिया जाता है, वो इस बाइक को काफी ज्यादा शानदार बना देता है। अब अगर हम बात करें इसके रियर सेक्शन की,
तो रियर से यहाँ पे आप लाइट देखोगे तो आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल जाएगा, कोई मेजर बदलाव नहीं है, बट हाँ स्टिल इसकी लाइट पहले की तरह ही ओल्ड डिजाइन टाइप लगती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है जिसकी वजह से आपको एलईडी लाइट वाला लुक जरूर से देने वाले है। बाकी इंडिकेटर्स तो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसकी ब्लैक शेडिंग इस बाइक को और ज्यादा शानदार बनाती है। तो मैंने इसका रियल टेल लैम्प चालू कर दिया, आप इसे देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ स्टील यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर दे दिया जाता है जो कि थोड़ी बहुत आपकी बाइक की सेफ्टी को इम्प्रूव कर ही देगा, और इस तरफ आपको नंबर प्लेट की जगह दे दी जाती है। और अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो रियर में भी आपको C8 का यानी कि दोनों ही टायर जगह सेम साइज का ही यानी कि 18x100 एक्सपेक्ट रेशियो का 17 इंच का ही टायर देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। सो अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट परचेस कीजिएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा शानदार और सेफ्टी वाइज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और बाकी सभी चीज की बात करें तो फुट रेस्ट हो गया या तो फिर इसका डिजाइन हो गया, वो तो आपको हर दोनों ही तरफ सेम देखने को मिलने वाला है। इंजन पे आपको DTSI ट्विन स्पार्क का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ रहा आपका ब्रेक और बाकी सारी जो एक्सीलरेटर वायरिंग है वो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ये जो गार्ड है ना, ये स्पेशली रेनी सीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि मैं अभी अपनी बाइक चला के आया हूँ, आप मेरे जूतों की हालत देख सकते हो, मैं रियर में बैठा हुआ था। तो अगर आप इस बाइक पे चल रहे हो तो आपको जो पानी के छींटे लगते हैं उसके लगने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस गार्ड, तो ये काफी ज्यादा शानदार चीज है। और इसमें आपको डिजाइन में अगर चेंजेस मिला तो कैटेलिटिक कन्वर्टर उस ओर से होके यहाँ पे साइलेंसर आपको देखने को मिलता है। बाकी सारी बाइक में साइलेंसर के साथ ही आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, तो ये कुछ बजाज की अलग सोच है, तो उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको स्टील एक किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज है। और जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका मैकेनिज्म यहाँ से जाते हुए आप देख सकते हो पीछे की तरफ जाते हुए आपको देखने को मिल जाता है। साइलेंसर सा डिजाइन आपको वहीं पुराने स्टाइल में मिलता है, बस एक ये क्रोम गार्निशिंग है जो कि यहाँ पे ऐड कर दी गई हुई है। अब अगर हम बात करें इस बाइक के ऊपरी पोस्चर के बारे में तो यहाँ पे आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे देख सकते हो, 0 से लेके 120 तक की आपको यहाँ पे स्टॉप स्पीड रिमेन की जाती है, लेकिन इतनी तेज तो ये चलने वाली है नहीं है। और मैं तो आपको बोलता हूँ अगर आप इस स्पीड में लिमिट में ही चलाए तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए भी और आपकी बाइक के लिए भी। यहाँ पे आपको टोटल ट्रिप दिखाई देगी, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फ्यूल मीटर है, न्यूट्रल, इंजन वार्निंग लाइट और बाकी सारी जो सिस्टम है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाने वाली है। एकदम सिंपल सा बट थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। स्पेशली ये डिजाइन कुछ अलग सा लगता है जो कि देखने में हर टाइम आपको एक थोड़ी सी अपीलिंग और फ्रेशनेस वाली फील देने वाला है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग और देखने को मिल जाती है। और अगर मैं एक बार इस बाइक पे बैठ जाता हूँ, अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट ड्राइविंग व्यू देखने को मिलने वाला है जो कि स्पेशली काफी ज्यादा शानदार है। थोड़ा सा बिगर प्रोफाइल आपको लगता है बिकॉज ऑफ दिस हैंड गार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जो हैंड गार्ड है इसकी वजह से जो ये बाइक का लुक है वो थोड़ा ज्यादा बड़ी बाइक वाला हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा चीज, एक छोटी सी चीज बजाज ने ऐड कर दी और अपने कम्यूटर बाइक को एक स्पोर्ट बाइक वाला जो लुक होता है ना वो देने की यहाँ पे बजाज की तरफ से कोशिश की गई है। हैंडल कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी डीपर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है आपकी टर्न लाइट इंडिकेटर स्विच, यहाँ से आप पैसिंग लाइट एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पैसिंग लाइट स्विच है पीछे की तरह, जो कि थोड़ा अनकन्वीनियंट सा है बट स्टिल ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका हॉर्न है, इस तरफ आप इसका जो हेडलैम्प है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि एक काफी ज्यादा शानदार चीज है क्योंकि मॉडिफिकेशन लवर जो लोग होते हैं ना उनके लिए डीसी करंट वाला जो हेडलैम्प सिस्टम होता है ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे आपके हॉर्न की स्विच है। और बात करें अगर इसके हैंड ग्रिप्स की तो स्पेशली माई फेवरेट वन, क्योंकि इसका हैंड ग्रिप काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और क्लच सिस्टम और बाकी जो फ्रंट ब्रेक सिस्टम है काफी आपको हद में रीचेबल देखने को मिल जाते हैं। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पोस्चर इसको आपका देखने को मिल रहा है। टैंक क्वालिटी की कोई बात करने की जरूरत है नहीं, बाकी टैंक का साइज आप स्क्रीन के नीचे पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो ये आपको पैडिंग दी जाती है ना, अगर आप मान लीजिए इन किसी भी सिचुएशन में पीछे काफी ज्यादा सामान लेके बैठे हुए और या तो फिर आप 3 बंदे चल रहे, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता कि आप चले, तो ये चीज आपको किस तरीके से हेल्पफुल होने वाले आई होप दैट कि आप समझ जाओगे। और अगर हम बात करें ORVMs की
साइज काफी बड़ा है, डिजाइन काफी अलग सा देखने को मिलता है, बट साइज इसका आप देख सकते हो काफी आपको बड़ा देखने को मिलता है। दोनों ही तरफ आपको सेम सा ORVM साइज देखने को मिल जाता है। और अब अगर हम बात करते हैं इस बाइक की सिटिंग पोस्चर की एट लास्ट, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको कंफर्ट टेक का जो है वो लोगो दे दिया जाता है, और सीटिंग काफी ज्यादा एकदम फोर्टेबल सीटिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एकदम फ्लैट सी सीट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि तीन लोग बैठ जाएंगे तो भी मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट तो इसमें बचने ही वाला है सीट का। और अगर हम बात करें तो रियर में आपको मेटल की ही हैंड ग्रिप देखने को मिल जाती है। एक बार अगर मैं आपको इसकी जो DRL लाइट है उसे ऑन करके दिखा दूं तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लुक देने वाली है। काफी ज्यादा शानदार बाइक है। तो आई होप दैट कि मैं आपको एक बात सीधी सी सजेशन कर दूं कि अगर आप कोई भी 110 सीसी या फिर 100 सीसी बाइक परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले एक बार जाइए शोरूम पे, मेरी पर्सनल रेफरेंस पे एक बार सिर्फ प्लेटिना की राइड ले लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए। हैंड गार्ड जो है उसके या तो फिर DRL लाइट है वो इसे काफी ज्यादा शानदार बना देते हैं। और अगर हम माइलेज की बात करें तो ये आसानी से आपको 70 प्लस का माइलेज देने वाली है। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सूरत में या तो फिर यहाँ पे आसपास कहीं पे रहते हो, वैलेंजा हो गया, तो अगर आपको ये बाइक परचेस करनी है या तो फिर आप कहीं बाहर भी रहते हो और अगर आपको इस बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ चिराग ऑटो जो है उसका जो फोन नंबर और एड्रेस है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप एक बार इस शोरूम पे विजिट कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा अच्छी जगह रहेगी और आपको इस बाइक की प्राइसिंग भी काफी ज्यादा किफायती मिलने वाली है। सो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की प्लेटिना 110 S-Track की रिव्यू वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।